आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, यह है रोल ऑफ लाइन, रोल ऑफ लाइन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। अच्छा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी यही आएगा कि लाइन का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। लाइन की जगह पे मैं भी इस तरह कह दे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इस चीज को हम लाइन कह रहे होते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाली चीज हमारे पास लाइन होती है। और बाद दफा एक तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, एक तो यही है ना, सेम यही हेडिंग देगा, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइन इन एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपको हमेशा। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन ही उमन आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नेल्सन सेल, डाउन सेल, सही है। और जो हमने पीछे पढ़ा है, रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री, ये आते हैं अमूमन, अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन। ये वाला अमूमन जो आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में छोटे छोटे टॉपिक पूछ लेता है। अगर सारे टॉपिक्स को मिलाएंगे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन वैसे प्रिपेयर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो लाजमी याद कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप देखते रहिएगा साथ साथ, कि जो चीज़ें नहीं याद करने वाली उसको सिर्फ आपने देखना है, सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो भी देख रहे हैं, वाई, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वाई लाइम इज यूज, क्या लाइम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है इन एसिडिक सॉइल, इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल में लाइम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो तेजाबी जमीन होती है वहां पे भी लाइम को इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या फंक्शन होता है। असल में लाइम को वहां पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाइम जो है, ये इसकी नेचर असल में देखी जाती है, बेसिक इन नेचर है, इसकी नेचर है बेसिक, जिसकी वजह से हम इसको एसिडिक सॉइल में यूज करते हैं, जिसकी वजह एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, वाटर और साल्ट बन जाता है। इसी वजह से हम एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए, एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के लिए, यानी कि तेजाबियत को कम करने के लिए वहां पर लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लाइम देखा जाए, लाइम असल में व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्यूड होता है, ये जो चूना होता है ना, यही चीज है लाइम, ये चूना है ना, यही चीज हमारे पास लाइम है। इसको जमीन वगैरह में तेजाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज यही लिखेंगे, लाइम, लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन एसिडिक सॉइल, तेजाबी जमीनों में एसिडिक सॉइल, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड, और इससे होता क्या है, और द एसिडिक, एसिडिक बिहेवियर, जो एसिडिक रवैया है जमीन का, बिहेवियर ऑफ सॉइल, जमीन का जो एसिडिक रवैया होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, यानी कि उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। असल में हो क्या रहा होता है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का, ये आपकी बुक में नहीं बताया गया, अगर कैल्शियम ऑक्साइड हम मिलाते हैं जमीन के अंदर जहां पे कोई भी एसिड मौजूद है, अमूमन ये वाली चीज होती है H2SO4, जिसकी वजह से जमीन एसिडिक हो जाती है। और यहाँ पे ये वाली चीज एक बेस के तौर पे काम करेगी और ये वाली चीज एसिड के तौर पे काम करेगी। और आपको पता है, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो कौन सी चीजें बनती हैं, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब यहाँ पे भी सेम काम यही होता है कि ये वाली चीज मिलके इस चीज के साथ क्या बना देगी, वाटर H2O, और साथ में कौन सी चीज बची हुई है, कैल्शियम, इसके साथ मिलेगा कैल्शियम सल्फेट साल्ट है, कैल्शियम सल्फेट हमारे पास साल्ट है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एसिडिक नेचर या एसिडिक बिहेवियर सॉइल के कंट्रोल करने के लिए। एक ये आता है, एक और चीज आ जाती है, वो कहते हैं व्हाट इज स्लेक लाइन, कि बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, बुझा हुआ चूना। एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, आप चूने को लेगा ना, सबसे पहले जब ये सफेदी करते हैं तब चूने को लेकर सबसे पहले पानी के अंदर डालते हैं, वो असल में जब चूना पानी के अंदर डाल देते हैं, उस वक्त जिस जो टब के अंदर पड़ा होगा उसको हम बुझा हुआ चूना कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, उसको बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी हीट होती है सारी की सारी रिलीज हो जाती है। कभी आप जहां पे सफेदी वगैरह कर रहे हो तो जो टब के अंदर जैसे चूना डालते हैं, वो 5 मिनट के बाद जाके देखिए टब बिल्कुल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, ये बताता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जैसे आप चूने को पानी के अंदर डालते हैं
तो उसके अंदर जितनी भी हीट होती है वो रिलीज हो जाती है, और जो चीज नहीं बनती उसको हम स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड इंग्लिश का लफ्ज है, इसको उर्दू में बुझा हुआ कहते हैं, लाइम चूने को कहते हैं, स्लेक लाइन यानी बुझा हुआ चूना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज स्लेक लाइन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज स्लेक लाइन, क्या बुझा हुआ चूना क्या है? आपने सिंपल बात बताया, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी के अंदर डाल दें, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दें, तो जो चीज हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बुझा हुआ चूना या स्लेक लाइन कहते हैं, उसका रिएक्शन भी आपने लिख लेना है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड की जगह आप सिर्फ लाइम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड, जब हम इसको दाखिल करते हैं इन वाटर स्लेक लाइम इज फॉर्म, स्लेक लाइम इज फॉर्म, स्लेक लाइम हमारे पास बन जाता है। अब ये रिएक्शन क्या हो रहा था, आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाली चीज बन जाती है। अब ये जो रिएक्शन है ये कहता है हाईली एक्सोथर्मिक है, दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक, बस ये हमारे पास स्लेक लाइम आ गया। अब देखें मैंने ऊपर लिखा रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, ये वाले दो पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं, इन दो पॉइंट्स को आपने लाजमी लाजमी याद रखना है, बाकी जो पॉइंट्स एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं वो भी लिख लेते हैं। अब इसको कहता है लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम यूज कर रहे होते हैं फंगीसाइडल स्प्रे बनाने में। अब फंगीसाइडल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अब ये वाले आपके दो पॉइंट खत्म हो गए, दोनों क्वेश्चन के आंसर, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज इन फंगीसाइडल, इन फंगीसाइडल स्प्रेस, इसको फंगीसाइडल स्प्रेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा फंगीसाइडल का क्या मतलब है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या मतलब है? अच्छा एक बात आपने याद रखनी, जहां पे वर्ड साइडल या साइड आ जाए ना उसका मतलब है किल, मारने वाला, फंगिसाइड फंगस को मारने वाला, पेस्टिसाइड हशरात वगैरह को, पेस्ट कहते हैं हशरात वगैरह को, हशरात को मारने वाला, इंसेक्टिसाइड भी हशरात वगैरह, तो ये हमारे पास जहां पे वर्ड साइडल या साइड आ जाए समझने को उसका मतलब क्या है, किल, यहाँ फंगिसाइडल है तो फंगस को मारने वाला, ऐसी स्प्रे जहां फंगस को मारा जाता है वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे पास एग्रीकल्चर में यूज आ गए हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए वो कहता है कि लाइम का रोल क्या है प्लांट्स में, रोल ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आना है, रोल ऑफ लाइम इन प्लांट्स, के प्लांट्स में लाइम का क्या रोल है, ये नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक के लिहाज से। अगर आपको ना वो सल्फर के हमने पढ़ा था, अगर देखें लाइम के अंदर ना, ये हमारे पास लाइम, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसकी इंपॉर्टेंस हो, ये CaO, इसको लाइम कह रहे हैं ना। ऑक्सीजन तो आपको पता है कि वाटर से भी प्रोवाइड की जा सकती है पौधे को, पौधे को ऑक्सीजन वाटर से भी प्रोवाइड करती है, और सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन है पौधा खुद बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन की पौधे को जरूरत नहीं है, यानी जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उस वक्त ऑक्सीजन पौधा तो खुद बना रहा है, जो चीज खुद बनाएगा उसकी पौधे को जरूरत नहीं है। अब जरूरत किस चीज की है, कैल्शियम की, यानी कि जो लाइम है ये कौन सी चीज प्रोवाइड कर रहा होगा पौधे को, कैल्शियम, कैल्शियम के दो यूजेज आपने पहले पढ़े हुए हैं, रोल ऑफ जिप्सम में हड्डियों में, लेकिन हमने यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बताना है, बिल्कुल सही है, पौधे की सेल वॉल में बता सकते हैं, इंसान की हड्डियों में जिस तरह यूज हो रही है इस तरह पौधे की सेल वॉल में, पौधे की रूट ग्रोथ, सही है, पौधे की जड़ों की अफजाइश के लिए, नशोनुमा के लिए वहां पे इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा पौधों के लीव्स में, पौधों के बार, बार किसको कहते हैं, तने को, ये जो बाहर छाल होती है कहते हैं वहां पे ये यूज हो रही थी,
जितना पौधे के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा, ये बात याद रखे, बेशक वो हड्डियां हो या पौधा हो, उसकी बार्क जो होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, हड्डियां उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। कैल्शियम एक ही काम करती है पौधे को या हड्डियों को, क्या कहती है, स्टिफनेस, सख्तपन देती है, मजबूत कर देती है। भाई ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि लाइम क्या प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स ऑफ कैल्शियम है। लाइम इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर प्लांट्स, पहला पॉइंट। लाइम इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर द प्लांट्स, सही है। पहला काम यह है कि लाइम हमें पौधों को जो चीज प्रोवाइड कर रहा है वो है कैल्शियम का सोर्स। अब कैल्शियम का सोर्स किन किन जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहला काम कि कैल्शियम जो है पौधे की नॉर्मल ग्रोथ, किसके लिए जरूरी है, पौधे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट, पहली बात ये। सेकंड नंबर पे रूट सिस्टम के लिए, इंटायर रूट सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट सिस्टम मैंने बताया था कि एक पौधे की जड़ सिर्फ ये आ रही है बस, इस तरह थोड़े थोड़े फैल रही है, लेकिन एक पौधे की जड़ वो काफी ज्यादा इस तरह फैली हुई है, ये अच्छा रूट सिस्टम है। तो ये पौधे को ज्यादा चांस मिल सकते हैं कि यह पौधा सर्वाइव कर सके, ये पौधा क्या कर सके, सर्वाइव कर, जितनी ज्यादा जड़े होंगे उतनी ज्यादा चांस है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। कभी ये जो हमारे सहराई इलाकों में पौधे होते हैं ना, इनकी जड़ें देखा कर कितनी नीचे गई होती है, तो बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, आप इनको पानी नहीं भी देते ना फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, क्योंकि इनका रूट सिस्टम अच्छा है, इसलिए कहता है कि जो कैल्शियम है ये पौधे का रूट सिस्टम अच्छा कर देता है। इट इनहैंस का मतलब है बेहतर कर देना, बेहतर का, इट इनहैंस द एंटायर रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, ये वाली बात। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, कहते हैं पौधे के लीव में स्टोर हो जाता है, पौधे के लीव और बार्क में, और काम क्या होता है ये आपको पता है, पौधे की बार्क को थोड़ा सा मजबूत कर देगा, पौधे की बार्क को या तने को थोड़ा सा मजबूत कर देता है। अब नेक्स्ट काम यही लिखे, ये कहाँ पे स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन लीव्स एंड बार्क ऑफ द प्लांट, लीव्स एंड बार्क ऑफ प्लांट्स, ये पौधे के लीव्स पत्तों में और पौधे की छाल में स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे ये चंद एक पॉइंट लिख रहे हैं, कहते हैं अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो इससे होता क्या है, ये दो तीन मेटल्स के नाम दिए गए हैं, एक एल्यूमिनियम यहां बताएगा, एल्यूमिनियम और एमएन, एमएन कहते हैं मैगनीज को, ये दोनों की दोनों मेटल्स हार्मफुल है, किसी भी जानदार के लिए ये दोनों की दोनों मेटल्स हार्मफुल है। कहते हैं जब कैल्शियम की कमी होती है तो ये वाली मेटल्स पौधे के अंदर एकामुलेट होना शुरू हो जाती है, जैसे ये एकामुलेट होंगी तो पौधे की एक वक्त आएगा डेथ हो जाएगी। ये क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कमी की वजह से, डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, डेफिशिएंसी ऑफ एल्युमिनियम, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से द मेटल्स, ये जो मेटल्स है हमारे पास चांद है एल्युमिनियम एंड मैगनीज एंड एमएन आर स्टोर, ये जमा होना शुरू हो जाती है, स्टोर इन प्लांट्स, ये पौधे के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली, और आखिरकार क्या हो जाता है, अल्टीमेटली प्लांट्स डाई, क्योंकि ये पॉइजन होता है, जैसे ये प्लांट के अंदर जमा होना शुरू हो, एक वक्त ऐसा आएगा प्लांट जो पौधा होगा वो मर जाएगा। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है, उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और इसका इस तरह मैं भी पूछ ले, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन,
देखो सारे के सारे तकरीबन मैंने किसके बताए हैं, कैल्शियम के। ओके, लाइम हमें एक ही चीज प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन सी चीज है? कैल्शियम। इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कैल्शियम का क्या रोल है? इस तरह भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये तीन चार शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सुबह को आपने अच्छे तरीके से देख के आने हैं, या कल को आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 7 में चले जाना। चैप्टर नंबर 7 कदरे इजी है इन चैप्टर्स की निस्बत।